को बता दिया था कि आप लोग जो है टेलीग्राम चैनल को अभी ज्वाइन कर लें तो आप लोगों को बहुत ज़्यादा फायदा होने वाली है। वीडियो के लास्ट में मैंने आप लोगों को बताया था कि चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। वहाँ से जिन खिलाड़ियों के रिलेटेड मैंने पिच रिपोर्ट में जो बात कही हुई थी, पूरे के पूरे वही खिलाड़ियों ने प्रदर्शन करके दिखाया है। तो यहाँ पर दोस्तों चेन्नई सुपर किंग्स और केकेआर के बीच जो मुकाबला खेला जाएगा उसकी सारी पिच रिपोर्ट कैसे होने वाली है, सारी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को बताने वाले हैं। तो बने रहे वीडियो पर एंड तक। लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, साथ ही हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। दोस्तों सीएसके वर्सेस केकेआर बड़ा मैच है, जैकपॉट वाला मैच है। और यहां पर दोस्तों आप लोग अगर 49 रुपये लगाकर 49 रुपये ही वापस लेना चाहते तो आप लोग बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। 49 रुपये लगाकर मात्र 49 रुपये ही वापस आए तो क्या फायदा होने वाला है? 4 घंटे तक वेट किया मैच का, फिर भी मात्र 49 रुपये ही वापस आ पाए तो कोई फायदा नहीं है। ऐसे में दोस्तों 49 रुपये लगाकर आप लोग करोड़ों में लाखों में विनिंग करना चाहते तो इस वीडियो को जो है 6 से 7 मिनट की वीडियो होने वाली है उसको पूरा जरूर देख लें। पूरी पिच रिपोर्ट के बारे में बात करने वाले हैं। तो दोस्तों यहाँ पर बात करें, मैच नंबर दोस्तों 61 है, जो कि चेन्नई सुपर किंग्स और कोलकाता के साथ यह मुकाबला खेला जाएगा। 14 मई 2023 को यह मुकाबला खेला जा रहा है। टाइमिंग की बात करें दोस्तों 7 बजे से टॉस हो जाएगा, 7:30 बजे मुकाबला स्टार्ट होना है। 7 बजे टॉस होने के बाद आप लोग अपनी टीम में परिवर्तन जरूर कर लें। टॉस होने के बाद टीम परिवर्तन करना बहुत जरूरी रहता है, टॉस के हिसाब से ही टीम बनाया करें। वेन्यू की बात करें तो दोस्तों एम चिदम्बरम स्टेडियम चेन्नई, जिसको हम चेपॉक भी कहते हैं, वहाँ पर यह मुकाबला खेला जाना है। अब दोस्तों हेड टू हेड की बात रिकॉर्ड की बात करें तो सीएसके और केकेआर के बीच ओवरऑल 227 मुकाबले खेले गए हैं, जहाँ पर से 18 मुकाबले जीते हैं सीएसके ने और 9 मुकाबले जीते हैं यहाँ पर केकेआर की टीम ने। अब दोस्तों अब बात करें यहाँ पर तो ऐसा सजेस्टेड नंबर की बात करें तो केकेआर है फाउंड इट टफ अगेंस्ट सीएसके, मतलब सीएसके के खिलाफ जब भी केकेआर की टीम खेलती है तो उसको बहुत ज़्यादा टफ होता है कि भाई मैच जीतेगी या नहीं। ऐसा ही हेड टू हेड मुकाबलों में बताया गया, 18 मुकाबलों में से मात्र 218 मुकाबले सीएसके ने जीते और 9 ही मुकाबले जीत पाई है केकेआर की टीम। अब सीएसके वर्सेस केकेआर की जो वेदर है उसके बारे में बात करें दोस्तों 30 से 39 डिग्रीज यहाँ पर जो टेम्परेचर होने वाला है, 30 से 39 टेम्परेचर दोस्तों होने वाला है, यानी कि कोई भी बरसात की आशंका नहीं है। पिच रिपोर्ट की बात करें सीएसके वर्सेस केकेआर मुकाबले की तो चेन्नई हैज़ ऑलवेज बीन ऑन द स्लोएस्ट साइड बट दिस सीजन हैज़ सीन अ फ्यू गेम्स दैट हैव गॉन ओवर 200। मतलब इस सीजन दोस्तों वैसे तो हमेशा चेन्नई पर जो मैच मुकाबले होते हैं वह स्पिन के लिए मददगार रहते हैं और स्लो पिच रहती है, लेकिन इस बार जो है कई मुकाबलों में हम लोगों को 200 से ऊपर के रन भी देखने को मिले हुए हैं, ऐसा पिच रिपोर्ट का कहना है। हाउएवर मतलब कैसे भी मतलब 200 से ऊपर के रन बहुत बार हम लोग देखने को मिले, एक बार तो चेस भी कर दिए थे पंजाब किंग्स की टीम ने। इन द लास्ट गेम एट दिस वेन्यू अगेंस्ट डीसी द पिच प्लेड टू इट्स ओरिजिनल नेचर एंड दिस टाइम टू, मतलब पिछली बार जब चेन्नई में मुकाबला खेला गया तो दिल्ली कैपिटल्स की पिच बहुत स्लो खेली थी, स्पिनर्स ने दोस्तों जमकर विकेट्स लिए हुए थे, कोई भी स्पिनर ऐसा नहीं था जिसको विकेट नहीं मिले हुए। और इस बार भी ऐसी उम्मीद लगाई जा रही है कि इट्स टाइम टू की यहाँ पर भी मतलब जो है दोस्तों स्पिन के लिए मददगार रहेगी पिच। इट इज़ एक्सपेक्टेड दैट द बॉलर्स स्पिनर्स इन पर्टिकुलर विल हैव अ मेजर रोल टू प्ले, यही था दोस्तों यही बात मैं बोला था, जो स्पिनर्स बॉलर हैं उनों का बहुत बड़ा रोल होने वाला है इस वीडियो के यहाँ पर दोस्तों जो मुकाबला खेला जाएगा वहाँ पर। बैटिंग फर्स्ट मैच टू बी द वे गो आउट हेयर, मतलब जो टीम टॉस जीती है वह पहले बैटिंग करना पसंद करेगी इस जो है दोस्तों सतह पर। सीएसके और दोस्तों यहाँ पर केकेआर के बीच जो मुकाबला खेला जाएगा उसकी इधर जो प्रोबेबल प्लेइंग 11 की बात करते हैं यहाँ पर दोस्तों चेन्नई सुपर किंग्स की तरफ से देख लीजिए, ऋतुराज गायकवाड़, डेवन कॉनवे, अजिंक्य रहाणे, अम्बाती रायडू, शिवम दुबे, रविंद्र जडेजा, मोइन अली, एमएस धोनी, दीपक चार, माथीसा पथिराना और दोस्तों महेश तीक्षणा, इस प्रकार की जो है प्लेइंग 11 होने वाली है सीएसके की। और कोलकाता नाइट राइडर्स की बात करें तो जेसन रॉय, रहमानुल्लाह गुरबाज, वेंकटेश अय्यर, नीतीश राणा, रिंकू सिंह, आंद्रे रसल, सुनील नारायण, शार्दुल ठाकुर, अनुकूल राय, हर्षित राणा और वरुण चक्रवर्ती, इस प्रकार की दोस्तों जो है प्लेइंग 11 होने वाली है यादव केकेआर की। तो ये तो रही सारी बात दोस्तों, अब बात करें यहाँ पर जो है दोस्तों कौन कौन से खिलाड़ी हैं जो लास्ट के 5 ईयर्स में आप लोगों के लिए बहुत अच्छे फायदेमंद हुए ड्रीम इलेवन के अंदर, कोई फैंटेसी आप खेलते तो उसके अंदर। तो दोस्तों यहाँ पर पिच बैलेंस्ड है, पेस के लिए अच्छी है, लेकिन स्पिनर्स का बोल वाला रहा है। कई मैचों में देखा गया है कि पेसर्स ने अच्छे विकेट किया है, कई मुकाबलों में देखा गया है स्पिनर्स उन्होंने अच्छा इधर जो काम किया है, लेकिन दोस्तों स्पिनर्स के लिए जानी जाती है चेपॉक की पिच। एवरेज बात करें तो 161 हर मुकाबले में बनना है। यहाँ पर देख लीजिए दोस्तों पेसर्स ने इस सीजन की बात करें तो 57 टोटल विकेट है, जिसमें से पेसर्स ने 30 लिए हुए हैं, स्पिनर्स ने 27। लेकिन दोस्तों अब पिच जो है स्पिन हो चुकी है और स्पिनर्स के लिए मददगार साबित होगी क्योंकि पुरानी पिच हो चुकी है।
टॉस विनर्स की बात करें दोस्तों, जो टीम पहले बैटिंग करती है भाई दोस्तों यहाँ पर जो है 50% मुकाबले जीत रही है, जो बॉलिंग टीम करती है भाई वहाँ पर जो है दोस्तों सिर्फ 52% ही मुकाबले जीत रही है। यानी कि जो टीम पहले बैटिंग करती है भाई दोस्तों फायदेमंद हो सकता है। टॉस होने के बाद आप लोग जो अपनी टीम में परिवर्तन जरूर कर लें दोस्तों। यहाँ पर टॉप प्लेयर्स की बात करें तो यहाँ पर वेन्यू पर तो डेविन कॉनवे यहाँ पर होने वाले हैं, आंद्रे रसल और नीतीश राणा, ये तीन खिलाड़ी दोस्तों टॉपेस्ट जो है इधर लास्ट के जो 5 ईयर्स हैं उनमें यहाँ पर खेले गए हैं। मथीसा पतिराना को आप लोग अपनी टीम में पिक कर सकते हैं, यह बहुत बड़ा नाम है। और दोस्तों लसित मलिंगा का रिप्लेसमेंट श्रीलंका के लिए, लेकिन दोस्तों चेन्नई सुपर किंग्स में आने के बाद महेंद्र सिंह धोनी में कप्तानी में जब से यह खेल रहा है बंदा बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रहा है। तो दोस्तों ये तो सारी जानकारी हो गई कि एवरेज स्कोर इतना है क्या क्या है। अब ड्रीम इलेवन के अंदर चलते हैं जहाँ पर आप लोग टीम बनाकर भी बता देते हैं कि किस प्रकार के आप लोग जो 11 खिलाड़ियों की अपनी टीम बना सकते हैं। लेकिन उससे पहले एक बात और दोस्तों, अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लें। दोस्तों मैंने जो टेलीग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, 7 बजे टॉस होने के बाद हम अपने टेलीग्राम चैनल पर बिल्कुल फ्री में आप लोगों के लिए टीम प्रोवाइड करवा देते हैं। यहाँ पर एक भी पैसा आप लोगों को नहीं लगने वाला, सिर्फ हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए और वहाँ से दोस्तों बहुत बड़े बड़े बंदे जो विनिंग कर रहे हैं और अच्छी खासी विनिंग कर रहे हैं। तो चेन्नई सुपर किंग्स और कोलकाता के बीच जो मुकाबला खेला जाएगा उसमें आप लोग किस प्रकार की टीम बनानी चाहिए वो उसके बारे में भी बात कर लेते हैं। यहाँ पर दोस्तों विकेट कीपिंग में बात करें तो हमने 2 खिलाड़ियों को पिक किया हुआ है, रहमानुल्लाह गुरबाज और डेविन कॉनवे। और उसके बाद दोस्तों बैटिंग में बात करें तो यहाँ पर 5 खिलाड़ी हमने पिक किए हुए हैं, नीतीश राणा, ऋतुराज गायकवाड़, जेसन रॉय, रिंकू सिंह और शुभम दुबे। यहाँ पर ऑलराउंडर्स में बात करें दोस्तों रविंद्र जडेजा एकमात्र ऑलराउंडर हमने पिक किया है, क्योंकि दोस्तों कोई भी इतना ज़्यादा फॉर्म में नहीं, आंद्रे रसल का रिकॉर्ड इतना ज़्यादा अच्छा नहीं रहा है, इसलिए हमने रविंद्र जडेजा को पिक किया हुआ है। बॉलिंग में बात करें तो तुषार देशपांडे, वरुण चक्रवर्ती और मथीसा पतिराना तीन हमारे बॉलर होने वाले हैं। इस प्रकार की हमारी टीम बन चुकी है दोस्तों। हम महेश दीक्षणा को भी टॉस होने के बाद अपनी टीम में पिक कर सकते हैं, इस बात का ध्यान रहे। सारी जानकारी जो है टॉस होने के बाद अपडेट मिलती रहती है हमारे टेलीग्राम चैनल पर, तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। इस प्रकार की हमारी टीम बन चुकी है, कप्तान हमने डेविन कॉनवे को बनाया, वाइस कप्तान रविंद्र जडेजा हमारे हैं। तो दोस्तों इस प्रकार हमारी टीम बन चुकी है, चाहे तो इसके स्क्रीनशॉट ले लें वरना हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन जरूर कर लें। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।